गाइस कैसे हो आप सब। ये ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं राधा के घर और राधा को लेने के लिए। अब राधा को हम घर ला रहे हैं, मतलब राधा आ रही है, आज हम जा रहे हैं उसको लेने। तो सिंपल है, आज घर पे हालांकि पूजा भी थी, ठीक है अभी स्टार्ट हुई होगी। और ये मतलब इस समय अभी लगभग कितना बज रहा होगा मैं देख के नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 2:30 बज रहा है कुछ। तो हम जा रहे हैं राधा को लेने, उसके बाद लेके आएंगे और वहाँ भी दिखाएंगे कुछ अगर दिखा सके तो, और कैसे स्वागत होता है घर पे जाने के बाद वो भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, और वहाँ जाने के बाद और यहाँ आने के बाद सब कुछ एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और अभी जब राधा यहाँ गाड़ी पे बैठेगी तब भी हम कोशिश करेंगे रिकॉर्ड कर सकें। तो ये है, हालांकि हम भी खुश हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि बाबू से मिलने वाले हैं। यार ज़्यादा मत सोचा करो ये सारी चीज़ें। तो देखो अभी भी हम रोड पे हैं और एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इतनी अच्छी चीज़ लिखी है गाइस, जो आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं वहीं अभी खड़ा हूँ, अभी रोड पे ही खड़ा हूँ। ये देख सकते हो, पहले तो रोड देख लो आप, ठीक है। ये रोड दिख गई, अब ये चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको उम्मीद हमें लगता है कि यहाँ पे आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं अच्छे से, उसमें लिखा हुआ जो है मैं पढ़ के बता देता हूँ। उसमें दीवार में लिखा और एक मंदिर है, आपको दिख रही होगी एक मंदिर है छोटी सी, उस दीवार में लिखा है जय गुरुदेव, जीवों की बलि चढ़ाने से कभी देवता खुश नहीं होते, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कितनी गजब बात लिखी है, जीवों की बलि चढ़ाने से कभी देवता खुश नहीं होते, क्योंकि वो भी जीव है जो देवता ने ही बनाया है, तो इसीलिए कभी भी जीव की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, देवता कभी ऐसा नहीं कहते। ये इंसान ही ऐसा सोचते हैं कि जीव की बलि चढ़ाएंगे देवता खुश हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, प्रवचन बहुत हो गया, सीधा राधा के पास जाते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं डिटेल में। ओके हेलो गाइस, देख सकते हो हम अभी थोड़ी देर पहले मतलब एक आध घंटे हो गए होंगे ना राधा से मिले हैं, मतलब राधा को घर से वहां से बैठाए हैं। देखो बाबू को अभी पूरा मस्ती कर रहे हैं, और ये सामान वामान देख सकते हो पूरा गाड़ी भरी है आगे पीछे, इसी वजह से ये यहाँ पे बैठी है, और डिग्गी भी पीछे वाली पूरी भरी है। तो सामान तो मान लो हम कल दिखा देंगे, बेटा शांत हो जाओ, पोंपो करने का आदत डालना पड़ेगा मेरे को। तो अभी हम लोग दो जगह गए थे, वो चीजें कल बताएंगे आपको। गर्मी लग रही होगी शायद यार। हाँ तो गाइस बस हम लोग घर जा रहे हैं अब, यहाँ पे देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है तो मैं ज्यादा कुछ दिखा नहीं सकता, ये रोड देख सकते हो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट, हमें भी डर लग रहा है। तुम्हें नहीं डर लग रहा है? हाँ, मेरे को क्यों डर लगेगा, आप है ना, और हमको खुद डर लग रहा है जो बचाने वाला है जिसके दम पे ये उछल रहा है। तो चलो गाइस यहाँ से हम निकलते हैं, बाकी सामान वामान कल बताएंगे दिखाएंगे, हाँ सब कुछ कल दिखाएंगे। अंधेरा हो चुका है, घर जल्दी जाना है, बहुत लेट हो चुका है, बाय बाय, अभी मिलते हैं घर पे। देखो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मम्मी जो रस्में होती हैं उसको मम्मी पूरी कर रही हैं, और राधा अभी अंदर बैठी हुई है, उधर से लाइट पड़ रही है, ये देखो उधर आगे गेट है। अंधेरा हो चुका है, मतलब शायद 8 से ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ तक मम्मी लेकर के पानी डालती हूँ, और ये यहीं पे बैठी है अभी तक। अब यहाँ पे उतारा जाएगा सामान, कल निकाले क्या, बहुत सामान यहाँ इधर उधर सब भरा है, इधर उधर समझ में नहीं आएगा मेरे को क्या। देखो हैं, दिख रही हो, सुनाई नहीं दे रहा बोला। दरवाजा हमें खोलना पड़ा। हमें खिलाना और नाम 50 ठो लेना चालू। 50 नाम लेती हो गया, मच्छर भी काटे हैं उसका। दोनों भैया मिल गए हैं, दोनों बाबू मिल गए, ये देखो गाइस। राधा अभी पैर छू रही है दोनों लोग का क्योंकि छोटी है। सामने देखो, हंसने लगा।
हंसने लगा। चाची है, मौसी है, रिश्ता है, पहचाने को बढ़िया कह रहे हैं। सीधा चला गया वो तो। हंसाओ एक बार, हंसाओ। हाँ ये वही है, वही है। क्या कुछ तो है, कुछ लफड़ा है उसके अंदर भी। कुछ लफड़ा है, साड़ी मैचिंग मैचिंग हो रही है। कुछ लफड़ा हो गया भैया। तो अब कहाँ काहे कर रहा है भैया? ये बाबू तो सो रहा है एकदम निद्रा में। हाँ गाइस देखो हम लोग कितने बजे पहुंचे, ये भी देखो 8:30 बज गया। दोनों लाल, तीनों इनको भी खांसी आ रही थोड़ी थोड़ी ना अभी। बेटा हंसो हंसो, कल इसका बाल कौवा ले जाएगा। छोटा छोटा बुआ आएंगी बाल लेके, कल ही कौवा। और बुआ आएंगी तो आटा की लोई बनाएंगे, उसमें इसका बाल रख देंगे। अब फिर कौवा उड़ा ले जाएगा ना भैया। कल इसका मुंडा जो है, बाल जो है, ये चिकन हो जाएगा। कल इनका मुंडन होने वाला है गाइस। उसी तरह होगा, टकलू होने वाले हैं, टकलू टकलू। शिव सबसे बड़ा, उसके बाद ये पहले ओम। अच्छा हाँ, हम भाभियों में देखने लगे। हो रहा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सर। वहाँ वहाँ पूजा 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 हुआ है ना वहाँ पे, तो पहले पैर धुलेंगे तब ना। भगवान अरे तो भगवान मान्यता प्राप्त है वहाँ। देखो गाइस आज पूजा हुई थी तो मैं अभी जूते उते उतार देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ लगेगा। यहाँ पे देखो आज पूजा हुई थी। हाँ तो वो तो सबको पता। देखो अभी देव की तबीयत सही से नहीं सही हुई ना, इस वजह से। मुंह खोल ही रहो आराम से। अब हुआ ही लगो का तुम वहां पहुंच के। चला तो अरे ऊपर आवे लगे तो खुशी की बात है। हो सकता है लेके आई हो। देखो देख रहा देव को घूम के। छोटा भैया को देखो, देखो बाबू देखो। अरे राम ने इतना छोने मगन है, हंसने लगा। देखो कूदा जा रहा है। और झा जाओ कल से देव मर जाएगा ना। बहुत सही टाइम पे आए हैं देव। शिव बहुत सही है, शिव उधर लेटता था और देव इधर लेटता था। वो कूदा जा रहा है, ये बेचारा सो रहा है अभी। देव
तुरंत पकड़ने जाता औरतों का परपन चालू हो चुका है। ससिया इसे हमेशा लेते पहले क्या हुआ अभी आओ हमारे पास आओ अब आओगे फिर चल अरे उनके लगे मौसी नहीं कहना चाची लगता अगर पैर चलने लगता खिलाना चाहता है वो खिलाने का मन है ये सो रहे हैं महाराज हाँ एक बार उठा था रोया था गाड़ी में वो बस जा रहा है ले 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 और आज दादी किसको ले ले मेरे को ले दादी पास अब जाने लगे हैं दो तीन दिन तो नहीं जाए लेकिन घुमाएंगे चलो बाहर ले चलो अब कूदा जा रहा है वो देखो वो एक जगह चाहता है मेरा फिर कर रहा है चाहता मिलेगा चुपचाप अब तो चुपचाप छोटा बाबू मिलेगा ना भैया चुटका भैया हाँ ना भैया भैया खिलाओगे बेटा देखो कैसे कूदा सा ले ले भाई खिलो मस्त हो गया पहले लगावा तो चलो गाइस हम लोग अब चलते हैं और ये भगवान का दर्शन आप लोग भी कर लो ये अभी हम गाड़ी से लाइट भी नहीं निकाले ओह सॉरी लाइट भी नहीं बंद की सारी गाड़ी की लाइट चल रही है आगे पीछे शीशा अभी सामान देखो गाइस सारा अंदर रखा है सामान थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा शायद आपको ये टंकी वंकी और बाकी यहाँ पीछे डिग्गी में पूरा सामान भरा है तो ये हम आपको कल दिखाएंगे इसी वीडियो में शायद कोशिश करेंगे दिखाने का डिटेल में लेकिन आज बस हम लाइट बंद कर देते हैं सफेद वाली लाइट खराब लगती है मेरे को इसमें खराब लगती है सफेद लाइट से इनको एलर्जी हो गई इन्फेक्शन हो गए डॉक्टर बोले हैं सफेद लाइट जलेगी तो खांसी बाई आ जाएंगी खांसी बाई जलेबी बाई खांसी बाई खांसी बाई आने लगेगी तो सामान क्या करें मम्मी सुबह निकालें सुबह निकाले अभी क्या करेंगे आराम सुबह निकालेंगे और रिकॉर्डिंग सही हो जाएगी नहीं तो कल हम सब सुबह चला 8 बजे ऐसे निकल विंध्या चल जाए बना अच्छा 8:30 निकलेगा अरे तो 8 रिकॉर्ड हो गया बाकी सामान मेरा तू सुबह 10 बजे 11 बजे हाँ तो हो गया रिकॉर्डिंग में देख अच्छा सब हम रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाएंगे गाइस और प्लस मम्मी लोग डायरेक्ट आएंगे जब कल विंध्या चल जाना है ना
मुंडन है इनका, खाना भी है ना, तो इस वजह से कल सुबह ही एकदम सब निकलेंगे। तो वही सब वही, हम और राधा नहीं जा सकते, वो बाबू का दिक्कत है, हम लोगों में तो जब देव का मुंडन होगा तो सब लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाबू की अभी तबीयत खराब है, राधा तो जा नहीं सकती। फिर कौन से तो इस वजह से, मतलब देव का अभी मुंडन नहीं हुआ इस वजह से, है ना? तुम इतना दूर से बोल रहे थे इसलिए हम रिपीट किया। मुंडन करवाना नहीं है उसका, इस वजह से अभी मुंडन उसका होगा नहीं। और वहाँ से अगर बिना मुंडन करवाए चले आओ देव स्थान से तो अच्छा नहीं होता, मतलब कि देव स्थान पे जाओ तो मुंडन करवा के आना चाहिए ऐसा। ओके, इस वजह से ये नहीं जाएगा, बाकी घर पे भी कोई होना चाहिए, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। ओके, पसीना हो जाता है मेरे जैसा, देखो अभी पसीना है मेरे को, दवाई दवाई से वो एकदम हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, आप सुबह रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं सामान निकालने, हम लोग क्या भैया यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए हम लोग बोल दिए, हालांकि निकालेंगे हम ही अकेले सामान, और सारा सामान आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या सामान राधा पाई है अपने घर से, मतलब मायके से। तो चलिए हम फटाफट निकालते हैं, पहले इसमें से निकाल ले, क्या कहते हैं? हाँ पूरा, हाँ आगे पीछे तो सब खाली, निकालना ही नहीं है, पूरा ही निकालना। तो गाइस एक एक सामान हम आपको दिखाएंगे क्या क्या मिला, हालांकि हो सकता है कि अंदर ना खोल के दिखाएं, बस झोला और बैग यही सब दिख रहे। देखो सबसे पहला सामान ये है जिसमें बहुत सारी साड़ियां वगैरह अगड़म बगड़म सब ये भरा हुआ है। कैमरा मैन अच्छे से कृपया दिखाएं ये सारी चीजें इसमें भरी हुई है, बहुत अच्छा दिख रहा है। पहला, और दूसरा इसमें क्या है, इसमें भी साड़ियां वगैरह भरी हुई हैं, इसमें भी पूरी साड़ियां दिख रही हैं, ये हो गया दूसरा। तो इतना हो गया, और एक है इनको भी ले ले, तीन तीन करके भगाएंगे। इसमें भी मुझे लगता है साड़ियां ही है, कोई बाबू का कपड़ा होगा, बाबू का कपड़ा कैसे करें खोल बस नहीं तो चलने दो बड़ी बंद ठीक। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं अच्छे से, बिकॉज दिखाना जरूरी है, हम बोले तो चलो हम इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं, चाबी अंदर रख देते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। ये जादू का डब्बा है, ओ या कपड़ा है, सारा बाबू कपड़ा है, इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं एक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 4 8 4 5 जोड़ी है शायद कुछ, हाँ जो भी है सामने है। ये बाबू की अटैची है और कहीं भी हो सकता है ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं फटाफट, इसको हम रख के आते हैं। तो गाइस अब बारी है अगले कपड़े की, कपड़ा ही होगा ये गाइस इसमें है मिठाई, लेकिन ये इसका गाइस को खिला दो, बैग है वो काफी गंदा लग रहा ये देखो डब्बे में ना जाइए, अब डब्बा खोल के नहीं दिखाएंगे, है हालांकि मिठाई, मिठाई है दिख रहा है वैसे, तो इसको भी हम नहीं और ये है जैसे कोई टट्टी कर दे कोई भी तो वो लगा सकते समझ जाओ क्या मम्मी पोको पैंट्स। हाँ इसमें भी बाबू उनका कपड़ा है लग रहा मेरे को ना, हाँ ठीक है बाबू उनका कपड़ा इसमें भी। अब इतना हुआ और कुछ ज्यादा वजन है तो आदमी बुलाए, नहीं नहीं ये बाबू ये सब सही है, ये तो खोल के दिखा ही दो इसको हाँ यही रख दो इसको चाहे गायब हो जाए वीडियो को रोका ना जाए कैमरा मैन, बिल्कुल नहीं, इसका फुल रिव्यू हो रहा है, हाँ उसको हम भगा देंगे, जो स्पीड बढ़ा देंगे भाभी भी यहाँ खड़ी है हाँ
बाबू, एक बाबू तैयार है। खिलौना दिखाओ, खिलौना देखो गाइस, सब खिलौना बहुत सारे। और ये डबल गाड़ी, एक इनके लिए एक देव के लिए। यस, ये क्या है भाई? यार गदा फुलाएंगे। ये है डमरू, मदारी आया, मदारी आया। हाँ बजाओ एक बार। हाँ एकदम लग भी रहा है। ये सही में लग रहा है। हाँ बजा लिए ना, और फिर सामान भी सामने रखा है एकदम मदारी। हाँ कच्चा भी वैसे ही है सामान, कच्चा भी चड्ढा भी वैसे ही। फुल बेइज्जती है गाइस हमारी। हाँ अभी फिलहाल कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये कीमती चीज है, अंदर रखनी है छिपा छिपा के। वो देख सकते हो वहाँ माल ही माल जमा हो गया है पूरा। भाई अब निकल रहा है अगली माल। चलो तो गाइस अब अगला सामान हम निकालते हैं। यहाँ पे बस यही लास्ट सामान बचा हुआ है। ओ माय गॉड, कौन पुक मार दिया। ये है और इसमें बर्तन वर्तन है, ये रखा है इसमें बर्तन, दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ ये बाबू को बर्तन वर्तन मिला, रख जाए यार, हम रख के आते हैं इसको पहले। ये हो गया गाइस, अब बारी है पीछे का डिग्गी खोलने का, उसमें क्या क्या है देखते हैं हम आपको, सारी चीज दिखाएंगे। बोले थे तो दिखाना ही पड़ेगा मेरे को। एक बैग यहाँ से जा भी चुका है। ओ इसमें से जा चुका, वो अभी अभी दिखा लेंगे, तो कोशिश करेंगे दिख जाएगा, तो क्योंकि बाबू का सामान था तो रात को ही हम लोग आए थे और अभी सुबह हो चुका है, तो वो बैग हम लोग निकाल चुके हैं। तो अभी इसमें से इसमें है बाबू की दवा, लग रही है मेरे को। हाँ दवा है और बाकी ये बाबू का पुराने कपड़ा लग रहा है मेरे को, और चीजें ठंडी वाली नया हो सकता है ये जैसे लग रहा है, यही सब है। इसको साइड लाई लग रही है, ये माई लग रही है, चावल ओवल लग रहा है। निकाल के देखें पहले, इसमें क्या है भाई? एक एक चीज दिखाएंगे ना। गाइस देख रहे हैं तेल, ये फिगारो तेल है। फिगारो बहुत अच्छा तेल होता है। ओ 899 रुपए का ये तो। हाँ महंगा तेल है यार, इसको संभाल के खुले ना। ये हो गया और इसमें साबुन दोबारा पोंछने के लिए, टिशू बैग, टिशू क्लीनिंग, इतना सामान ये हो गया। सैनिटाइजर है पिछवाड़े। चलो अब इतना हम रख के आते गाइस, वीडियो को थोड़ा पुश किया जाए। Done. तो गाइस अब हम निकालते हैं ये तो एक हाथ से भी उठा सकते हैं, हमारे पास ताकत है बिकॉज ये लाई। गाइस बताओ पहले कौन सा निकालें? सही कौन सा रहेगा निकालने, पहले यही सही है। इसमें बहुत सारा सामान है, कपड़े वगैरह और भी मिठाई वगैरह और भी बहुत सारी चीज, मुझे जहाँ तक पता है ज्यादा चीजें तो नहीं दिखाएंगे हम। ये तो खाली निकला इधर वाला, तो इसमें खाली है, ये नीचे वाला है। हाँ मेन तो ये है, ये देखो चैन टूट गई। ठीक है एक सही है गाइस। हाँ दिख रहा है गाइस, इसकी चैन भी टूट चुकी है, एक तो चैन तोड़ के हम खींच लिए। और इसमें ये कुछ भी सामान, ये आया है, क्या है ये है सेव, सेव है, गुड़ सेव। हाँ और इसमें क्या है, इसमें खाजा वाजा है लग रहा है। बाबू के कपड़े ठंडी वाले, ये वो है क्या बोलते हैं इसको, जो उसके जैसे आता है सोहन पपड़ी जैसे, एक और आता है जो चपका चप, सोहन हलवा। ये गाइस सोहन हलवा भी इसी में, और ये वो भी है, ये लुप्त तो हो चुका है लेकिन हाँ ये है क्या मिला है, और बहुत एक तरह से समझ लो अजूबा है। वो है नहीं, अमृत, अमृत है इस समय, अमृत है। हाँ। तो इतने सारे और भी कपड़े वपड़े सामान वगैरह ये सारी चीजें इसमें भरी हुई है।
ये है फिलहाल इसमें का सामान। एक चैन है बची, ध्यान से। तो इसको हम रखाते हैं। वीडियो की स्पीड लग रही है, पर वीडियो वाइज स्पीड दिखा रहे हैं। अरे इसको रखा के गाइस, इसको हम उठा नहीं पाएंगे। हाँ। अकेले उठाना पड़ेगा मुझे, मतलब इसको रख के आने के बाद अकेले यही रहे। गर्मी आ रही है तो पसीने निकल रहे हैं। और जो कि अभी सुबह है ये टाइम गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं। हां गाइस, बज रहा है और होता है 6 बज जाएंगे गाइस, 6 और 7 के बीच में होगा। चलो तो इतनी बजे हम शूट कर रहे थे। चावल चावल लग रहा है मेरे को, भरा हुआ है। इसको ले जाते हुए कैसा लग रहा है? इसको ले जाते हुए कैसा लग रहा है? तो गाइस अब हम आपको पूरा सामान दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा सब डिटेल में, एक एक सामान आप देख सकते हो और सारा सामान आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि क्या क्या है और क्या क्या मिला है। और एक बैग वहां से हट चुका है, मैं थक चुका हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। और ये है, इसमें ये है और सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो आप। ये थंबनेल के लिए बोला जा रहा है, देखो भैया बोले थंबनेल। सारी डिटेल में आपको दिख गया। तो गाइस सारा सामान हम अंदर ला चुके हैं, ये देखो यहाँ पे भंडारा मच चुका है। अभी एक चीज तो नहीं दिखाए हैं आप, क्या बाबू को नानी ने उसके क्या क्या दिया गहना में, वो तो नहीं। अच्छा हाँ, वो दिखाओ, बताओ। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। हाँ वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, तो आप लोग बोर हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बाबू की नानी ने बाबू को क्या क्या गहना दिया है। वैसे कई सारा दिया है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और भी कपड़े उपड़े हम पूरी तरह से नहीं दिखाए हैं ना। हाँ, नहीं दिखा पाए। तो अभी अगले वीडियो में कि कैसे कपड़े थे, कितने कपड़े थे, सब कुछ राधा दिखाएगी और गहने भी हम लोग सारा कुछ दिखाएंगे। नानी के घर से क्या क्या वो पाया है। अभी वो सो रहा है अच्छे से, देखो बेटा बेटा सो रहा है अभी निद्रा में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूले। हाँ, लाइक भी कर दीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।